कैसा रहा सर आज आपका एक्सपीरियंस? मैं कहना चाहूँगा माइंड ब्लोइंग, इट वॉज टू गुड। और जिस तरीके से तमाम लोग फिल्म को देखकर रिव्यू दे रहे थे, तो मेरा अंदर जो है धक धक वो और बढ़ रहा था। सच में 2 साल के मेहनत के बाद जब कोई चीज़ सामने निकल कर आई है और इस तरह से लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा एक पोस्टर के पास। ये जो है नमस्ते बिहार का एक खूबसूरत सा पोस्टर है और पब्लिक चॉइस के बाद इस पोस्टर को रिलीज़ किया गया था। इसमें आप एक शेर को देख रहे होंगे और एक बिहार का बेटा है, सन ऑफ बिहार डब्लू, जो आपको नज़र आ रहा होगा। ये अपने आप में ये कैरेक्टर ही बहुत कुछ कह जाता है। और जब देश की अस्मिता की बात हो तो ये जो डब्लू है अपनी जान की बाजी लगा देता है। तो ये फिल्म बहुत बड़ा मिशन था मेरे लिए, क्योंकि इसके साथ नमस्ते बिहार जुड़ा हुआ है। मैं बिहार पुत्र हूँ और उस नाते ये मेरा फ़र्ज़ था कि मेरा बिहार हमेशा दुनिया के सामने दुनिया की चीज़ों को जोड़ कर लाए, और यही हुआ कि लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है। पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मेरे लिए और चैलेंज बढ़ गए हैं कि मैं और अच्छी फिल्में बनाऊँ जिससे दर्शकों तक अच्छे से पहुँच पाऊँ। मैं तमाम टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, खासतौर से भूमिका कनिता जी। आप आसाम की थी लेकिन बिहार में रहकर जिस तरीके से आपने शूटिंग किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तमाम टीम मेम्बर का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ट्रस्ट किया हमारे प्रोडक्शन पे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कंपनी इस तरह के सब्जेक्ट पे ही फिल्म बनाती है। और यही वजह है कि लोगों के विश्वास और अच्छे काम ने इस फिल्म को खूबसूरत बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम नेचुरल लग रहा है। वो एक्शन पता नहीं, मेरे जो एक्शन डायरेक्टर थे दामोधर्मा, वो चेन्नई से आए हुए थे और पिछले 1 साल से वो इस पर काम कर रहे थे, और लगातार काम करते करते उन्होंने मेरे अंदर जो वो एक्शन था वो निकलवा लिया था, जो लोगों को पसंद आ रहा है। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट एज एन एक्टर कि आने वाले समय में मैं और एक्शन करूँगा और जम के एक्शन के द्वारा लोगों को एंटरटेन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते बिहार राजन जी, एक बहुत अच्छी प्रस्तुति की है। और नमस्ते बिहार, जैसा कि टाइटल से मालूम पड़ता है, नमस्ते बिहार बिहार की छवि के बारे में सुन करके और जान देख करके अच्छा लगा। क्षेत्रीय लोगों के साथ में काम किया, क्षेत्रीय लोगों को काम करने का अवसर मिला, बहुत स्थिति योग्य है। और एक तो कहूँगा कि जो प्रयास है हमने किया और अच्छा लगा। सर कितना स्टार देंगे सर आप? सर कितने स्टार देंगे आप इसको? 5 में से इसमें से मैं 4.5। और एक्शन बहुत बढ़िया है पिक्चर का, वो उसका बहुत अच्छी क्षेत्रीय, मैं कहा है आपके क्षेत्रीय भाषा के जाते क्षेत्रीय लोगों के साथ काम करना, ऐसा नहीं आप उनको सुपर स्टार समझते हैं, बहुत ही एक्शन मास्टर है, लेकिन उन्होंने अपना अच्छा बहुत अच्छा है, मतलब एकदम अपना प्रयास बहुत अच्छा है। सही बात। हाँ सर आइए सर, आप हमारे बीच में है। ओम श्री को बहुत लंबा वक्त दिया है, अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान से लेकर तमाम लोगों से आप मिलते रहे हैं, क्योंकि आप फिल्म सिटी में होते थे और होते हैं, तो ऐसे में इन्होंने फिल्म देखी, पूरी फिल्म देखी, सबसे बड़ी बात है, तो ऐसे में इनका रिव्यू तो बनता है। फिल्म के बारे में खबर 24 और तमाम हमारे चैनलों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रयास है राजन जी, और जो आपने पहली पिक्चर थी बनाई थी शहर मसीहा भाई, वो भी बहुत सुंदर टाइटल था, नमस्ते बिहार। आप टाइटल लग रहे हैं बड़े मास्टर हैं, मुझे खुशी हुई। अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने तारीफ़ की है मेरी, लेकिन तारीफ के पात्र सर हैं, क्योंकि मेरे मुंबई में अगर कोई सलाहकार हैं, कोई अगर गार्जियन के तौर पर हमें गाइड करते हैं, उसमें ओमवीर सैनी साहब हैं। तो ऐसे में आपने जो कहा अभी, सबसे पहले तो स्टार के बारे में बात करते हैं, इस फिल्म को क्या स्टार देना चाहेंगे सर?
मैंने कहा कि पहले दिया है 4:30 आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में 5 में 6 लेकर मैं आपको दिखाऊँ, तब बात बनेगी। सर इसमें जो गाने हैं अगर उसकी बात करें तो कितना मेलोडियस होगा? गाने अच्छे हैं, सभी मेलोडी है और सिचुएशन के मुताबिक है। अच्छा, इस फिल्म को देखने के बाद क्या लगता है कि हम बिहार में हैं, मतलब जो वहाँ का लोकेशन और बाकी चीज़ें जो देखिए आपने क्षेत्रीय, मुझे सबसे पूछिए एक बात हुई कि आपने पूरा 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 फिल्म का काम जो है बिहार की वहाँ की क्षेत्रीय मतलब वहाँ के लोकल उसमें किया है। करेक्ट, जो बहुत बड़ा स्थिति है, कुछ हानि है बट सभी लोग यहाँ अपने दिल को अच्छा करूँगा अच्छा करूँगा अच्छा करूँगा, यहाँ इधर भागते हैं उधर भागते हैं, गाना यहाँ करते हैं वहाँ करते हैं, तो मज़ा नहीं आता। एक जो है लोकल की एक जो गाँव की या जो भी एक महक होती है। दर्शक के रूप में फिल्म आप किस हद तक बांध के रखती है सर? बस एंजॉय किया बैठे और इंटरवल में बैठा रहा। और म्यूजिक कैसा लगा सर आपको? बहुत मजा आ गया सबको, अपने हिसाब से सब ठीक है। देखिए ऐसे तो बहुत कोई लिमिट नहीं होती है, देखिए अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से। ओमवीर सर दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जानते हैं कि आपने इतना अच्छा कहा है फिल्म के लिए, तो दर्शकों को भी फिल्म और आगे के लिए भी मैं बहुत ही दुआ करता हूँ। राजन जी एक अच्छे अपने जिस मार्ग पर चल रहे हैं और इंसानियत के लिए सबसे बड़ी बात है इंसानियत है, और अपने जो कलाकार हैं अपनी कला की प्रस्तुति आगे भी अच्छी तरह से करते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गोवा फिल्म फेस्टिवल में मुलाकात जी रिव्यू का टाइम है, तो हम पूछते हैं सर से कि फिल्म आपको पर्सनली सर से आप अपने दिल से बताएंगे कि फिल्म आपको कैसे लगी सर? राजेश मूवी के बारे में मेरी सही राय दे रहा हूँ कि अच्छा राजन जी का प्रयास था, जो नमस्ते बिहार एक रीजन है जिनकी छवि जो दिमाग से उतरी थी उन्होंने उसको बखैर एक ढंग से उस तरह से पेश किया कि वहाँ की जो सुंदरता है वहाँ के जो लोगों वहाँ जो महापुरुष जो वहाँ हमें मिले हैं इस देश को, और इतनी बड़ी अपने देश में जो इतना बड़ा रीजन है उस रीजन को उन्होंने काफ़ी ढंग से पेश किया है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की इसके लिए, और उनके साथ दिया है पूरे जो भी रिलेटेड मूवी में एक राइट फ्रॉम क्लेपर बॉय से लेकर वहाँ तक लोगों ने उनको काफ़ी साथ भी दिया, और चाहता हूँ कि मीडिया भी उनके साथ ही है, चाहता हूँ हर बच्चा उनके साथ हुआ जो बिहार को लग के उनको अगर वो टिम्बर है कि वो बिहारी है। एक लोकेशंस कैसा लगा अनबिलीवेबल। अगर मैं मानता हूँ कि हर रीजन में एक स्वर्ग है, जो स्वर्ग का आपने आदेश किया तो बिहार का। सर एक्शन कैसे लगा सर आपको? इनका बढ़िया एक्शन है, बहुत बढ़िया। बिकॉज कि आई रिलेटेड वो पूछ रहे हैं सर आपसे एक्शन कैसा था, हीरो का एक्शन एकदम। एक्शन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ राजन जी को स्पेशली, और अ लेडी जो एज ए जर्नलिस्ट थी उनको ताजस किया गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद रिव्यू के लिए, और मैं चाहता हूँ कि केवन म्यूजिक एकेडमी एक वो जो का अलग से लिए ज्वाइन कर देंगे हम। आजकल हीरोइन छा जाती है, हीरो पे भारी पड़ जाती है। वो नहीं तो हम लोग कुछ नहीं, ऐसा उसको लगता है ना। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।